विधानसभा ज्वालामुखी में भाजपा सरकार के दो वर्ष बाद भी कांग्रेस के समय में किए गए अभूतपूर्व विकास के बाद भी पूर्व समय में बनाए गए अद्वानी में गौशाला खुंडिया कॉलेज व आईटीआई भवन के ताले खोलने में भी अभी तक सरकार असमर्थ रही है। ये बात ज्वालामुखी में प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता पूर्व विधायक संजय रतन ने कही। विधानसभा ज्वालामुखी में भाजपा सरकार के दो वर्षों बाद भी कांग्रेस के समय में किए गए अभूतपूर्व विकास के बाद भी पूर्व समय में बनाए गए अद्वानी में गौशाला खुंडिया कॉलेज व आईटीआई भवन के ताले खोलने में भी अभी तक सरकार असमर्थ रही है। ये बात ज्वालामुखी में प्रेस वार्ता में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता पूर्व विधायक संजय रतन ने कही। उन्होंने कहा कि एक महीने के अंदर ज्वालामुखी क्षेत्र के नवनिर्मित सरकारी संपत्ति से बने भवनों के ताले सरकार नहीं खोलती है तो क्षेत्र की जनता के लिए कांग्रेस बड़े स्तर पर संघर्ष करेगी ताकि क्षेत्रवासियों को उनका हक दिलवाया जा सके। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि स्थानीय भाजपा विधायक रमेश दवाला दो वर्षों में भी ज्वालामुखी क्षेत्र में विकास की एक भी ईंट नहीं लगा पाए और अद्वानी में निर्मित गौशाला का ताला खोलने के लिए भाजपा के गौ रक्षा समिति संगठन को आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गौशाला बनकर तैयार है, जितने वहां पर पशु आश्रय ले सकते हैं उनकी व्यवस्था करें, वे अन्य के लिए प्रयासरत रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है जो कि जनता के साथ विश्वासघात है। संजय ने कहा कि कांग्रेस के समय में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में विकास इतना ज्यादा हुआ है कि अब भाजपा के नेता उस विकास को देखकर बौखला गए हैं और जनता को कांग्रेस के समय में बनाई गई योजनाओं को लाभ देकर समर्पित नहीं करना चाहते। यही वजह है कि नवनिर्मित भवनों के ताले दो वर्षों बाद भी बंद ही पड़े हैं। संजय रत्न ने कहा कि जरूरत पड़ी तो कांग्रेस उच्च न्यायालय में जनता के हित के लिए जाने और संघर्षरत रहने से भी पीछे नहीं रहेगी। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के दीप चौहान, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा, दिवांशु भूषण, सुरेंद्र काकू, अश्विनी व अन्य मौजूद रहे। गौ सदन का ही मुद्दा नहीं है, ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में जब से चुनाव हुए हैं और यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, विधायक बदले, जैसे ही विधायक बदले उन्होंने सारे के सारे जो काम हमारे द्वारा, हमारी पार्टी के द्वारा पिछले 5 सालों में किए गए थे या जो शुरू किए थे उन सभी कामों को रोक दिया। कई ऐसे काम थे जो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके थे, केवल मात्र उनका जो है वो उद्घाटन करना बाकी रहा था और उसको जो है वो चलाना जो शुरू करना बाकी रहा था उस सारे के सारे काम जो है वो रोक दिए। और कुछ ऐसे काम थे जो अभी शुरू होने थे जिनका हमने टेंडर प्रोसेस कर दिया था, उन कामों को भी रोक दिया। बड़े दुख की बात है कि विधायक जो है वो पिछले 2 सालों से खुद नया काम तो क्या लाना, लेकिन जो हमारे द्वारा किए गए काम थे उनको भी जनता को समर्पित नहीं कर पाए। उदाहरण के तौर पे खुंडिया का डिग्री कॉलेज, खुंडिया में डिग्री कॉलेज हमारे समय में बन गया था। हमने उसका उद्घाटन इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसका गेट जो है वो पॉर्च जो है वो बनना था, सिर्फ पॉर्च जो है वो बाकी रहा था। तो हमने कहा कि चुनाव आचार संहिता के बाद जैसे ही सरकार बनेगी, सरकार बनने के बाद जो है वो इसका विधिवत रूप से उद्घाटन जो है वो कर दिया जाएगा। जैसे ही सरकार बदली उन्होंने इस काम को रोक दिया। खुंडिया में आईटीआई है, भव्य भवन जो है बनकर तैयार हो गया है, उसको भी काम को रोक दिया गया। पिछले 2 साल से खुंडिया का डिग्री कॉलेज का भवन और खुंडिया की आईटीआई का भवन बनकर तैयार है, लेकिन दुख की बात है कि उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है। जिन बच्चों के लिए उसको हमने बनाया था उन बच्चों को उससे महरूम रहना पड़ रहा है, वो वहाँ पे जो है वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। तो कांग्रेस के समय में जो प्रोजेक्ट बने हैं उसको बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे ही ये बिल्डिंगें, खड़ी खड़ी बिल्डिंगें जो है वो बर्बाद हो जाएंगी। तो हम जो है वो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक महीने के अंदर अंदर ये जो सारे जो यूनिट्स हैं इनको अगर जनता को समर्पित नहीं किया, जनता इनको अगर इनका सदुपयोग करने के लिए जनता को इजाजत नहीं दी गई तो कांग्रेस पार्टी इसके लिए संघर्ष करेगी और हम जो है वो हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे और सड़कों के ऊपर भी उतरने से जो है वो हम हिचकिचाते नहीं, ये मैं कहना चाहता हूँ।